ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसे यहाँ पर टेस्ट करने के बाद और यहाँ पर मैंने इसे डेकोरेट भी कर लिया है। इतने अच्छे मैंने यहाँ पर अच्छे से डेकोरेट कर लिया है। यहाँ मैंने छोटे छोटे स्टार अटैच कर दिए हैं और मैंने यहाँ पर शंकर जी की छोटी सी मूर्ति लगा दिया है। और मैं आपको इसे हल्का झूला करके दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड, हमारा झूला रेडी है। हमारा वीडियो बन गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हमारे वीडियो कैसा लगा। मैं आज आपको पेपर का झूला बनाना सिखाऊंगा। तो पहले आपको झूला बनाने के लिए एक छोटा सा गत्ता ले लेना है। मैंने इसे इस साइज का कट कर लिया है और अब आपको इसके साइज का पेपर ले लेना है। पहले चलिए इसके साइज का पेपर कट कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे पेपर कट कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने पेपर कट कर लिया है। अब चलिए इसे गम से यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पहले हम गम ले लेंगे। अब इसके अंदर हम गम लगा लेंगे और गम लगाने के बाद यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर गम लगा लिया है। अब चलिए इसके ऊपर पेपर पेस्ट कर देते हैं। आपको इसे अच्छे से दबा दें क्योंकि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए। देखिए मैम, मेरा पेस्ट हो गया है पेपर। अब इसे थोड़ी देर तक सूखने के लिए, हमारा सूख गया है। अब आपको इतने साइज का पेपर कट कर लेने दो। देखिए मैम, मैंने पेपर कट कर लिया है। अब आपको इसे फोल्ड करना है। चलिए पहले वन पेपर ले लेते हैं, उसके बाद आपको फोल्ड कर लेना है। अब चलिए इसे फोल्ड करते हैं। पहले आपको इस तरह फोल्ड करना है एक बार, उसके बाद एक बार और ऐसे करके फोल्ड करना है। इसी तरह आपको पूरा एंड तक ले जाना है। देखिए फ्रेंड, पूरा एंड तक हमने कर लिया है। अब आपको इसे हाफ पार्ट से फोल्ड कर लेना है। देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर हाफ पार्ट से दोनों तरफ से ये बराबर होना चाहिए। देखिए फ्रेंड, ये वाला पार्ट हमारा बन गया। इसी तरह हमें सेकेंड पार्ट भी बना लेना है। चलिए इसे बना लेते हैं सेकेंड पार्ट भी। इसी तरह आपको इसे भी ऐसे करना है। पहले आपको ये वाला फोल्ड करना है, उसके बाद दोबारा फिर इसी तरह आपको फोल्ड करना है और इसे हाफ पार्ट से फिर इसे ऐसे करके फोल्ड कर देना है। अब चलिए फ्रेंड्स, जो हमने यहाँ पर दो पार्ट फोल्ड कर लिए हैं, अब इसे ग्लू गन से आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। पहले चलिए यहाँ पर ग्लू गन लगा लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब इसे ग्लू गन की मदद से यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। चलिए पहले पेपर पर ग्लू गन लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर ग्लू गन लगा लिया एक तरफ और इसी तरह आपको सेकंड जो सेकंड पार्ट है इसका ये पीछे भी लगा लेना है। पहले एक यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर पहले आप पेस्ट कर दीजिए क्योंकि ग्लू गन अगर सूख गया तो दोबारा नहीं चिपकेगा। तो पहले यहाँ पर ऐसे करके एक पेस्ट कर दीजिएगा, उसके बाद सेकेंड पार्ट गम लगा करके वहाँ पर पेस्ट करिएगा। देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर सेकेंड पार्ट पर भी गम लगा ले रहा हूँ। मैंने गम लगा लिया है। अब इसे आपको यहाँ पर ऐसे कर करके पेस्ट कर देना है और इसे थोड़ी देर तक सूखने के लिए रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड, मैंने मेरा एक तरफ का पेस्ट हो गया है। अब हमें इसी तरह सेकेंड पार्ट भी यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। चलिए पहले यहाँ पर हम ग्लू गम लगा लेते हैं साइड में। ठीक है फ्रेंड, मैंने यहाँ पर एक तरफ ग्लू गम लगा लिया है। अब इसे पेस्ट कर देंगे। और इसी तरह फ्रेंड्स, हम सेकेंड पार्ट पर भी पेस्ट कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम सेकेंड पार्ट पर भी गम लगा लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, मैंने सेकेंड पार्ट पर भी गम लगा लिया है। अब इसे यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे।
और फिर थोड़ी देर तक इस वाले पार्ट को भी सूखने के लिए लगे। यहाँ पर हमारा झूला सूख गया है। अब हमें यहाँ पर जो झूला बनेगा अब इसे चलिए बना लेते हैं। तो पहले आपको गत्ता ले लेना है और उसे कट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर स्क्वायर के सेप में ये वाला गत्ता कट कर लिया है और मैंने सिंहासन के सेप में एक बिगे गत्ता कट कर लिया है और ये छोटे छोटे कट कर रहे हैं और उसके साथ में मैंने कलरफुल पेपर भी कट कर लिया है। चलिए पहले इसे धीरे धीरे करके पेस्ट करते हैं। पहले चलिए फ्रेंड्स इसको साइड में रख लेते हैं। अब हमें इसे जो गत्ते हैं अब इसके ऊपर हमें इसे पेस्ट करना है। पहले चलिए इस पर गम लगा लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये पर मैंने यहाँ पर गम लगा लिया है और इसके ऊपर आपको कलरफुल पेपर पेस्ट कर देना है। इसी तरह आपको सारे पेस्ट कर देना है, जितने सारे मैंने कट करे हैं उतने सारे आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। चलिए पहले सारे अब हम यहाँ पर पेस्ट, मैंने इसे कलर पेपर से पेस्ट कर दिया है। अब हमें ये जो मैंने यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट कर कट करे थे हम इसे नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने यहाँ पर साइड साइड में ये जो हमें स्टिक चिपकाने हैं फिर वहाँ पर ये नहीं आ पाएगा, इसलिए हम इसे नहीं पेस्ट करेंगे। अब हमें ग्लू गन की मदद से हमें इसे पीछे तरफ में ऐसे करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। चलिए पहले ग्लू गन ले लेते हैं और इसके बाद इसके यहाँ पर ग्लू गम लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, मैंने ग्लू गम यहाँ पर लगा लिया है। अब चलिए यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं। आपको इसको एकदम बीच में यहाँ पर ऐसे करके पेस्ट कर देना है और इसे थोड़ी देर तक सूखने के लिए रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से पेस्ट कर दिया है और ये अच्छे से सूख भी गया है। अब आपको यहाँ पर एक पेन ले लेनी है और इसे फोल्ड करना है। देखिए मैम, मैंने यहाँ पर इसे फोल्ड कर लिया है और आपको यहाँ पर ग्लू गम लगा करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसी तरह आपको एक और बना लेना है, इसी तरह आपको बना करके यहाँ पर पेस्ट कर देना। चलिए सेकेंड पार्ट भी इसी तरह बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर दो बना लिया है। अब आपको ये पेपर ले लेना है, उसके बाद आपको रिफिल लेना है और इसे आपको ऐसे फोल्ड करते हुए पूरा एंड तक ले जाना। चलिए पूरा एंड तक इसे फोल्ड करते हुए ले। मैंने यहाँ पर दो छोटे छोटे पार्ट कट कर लिया है। अब चलिए इस पर हम ग्लू गम लगा करके इसे पेस्ट कर देते हैं। पहले चलिए इस पर ग्लू गम लगा लेते हैं और इसके साइड में यहाँ पर हमें इसे पेस्ट कर देना है। इसी तरह फ्रेंड्स, हमें सेकेंड पार्ट भी पेस्ट कर देना है। चलिए इस पर भी ग्लू गम लगा लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर इसे भी पेस्ट कर देते हैं। चलिए यहाँ पर इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर दें और दोनों एक बराबर रहना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, सीज बिक गया, थोड़ी देर तक इसको सूखने के लिए रख देते हैं। हमारा ये सूख गया। अब जब मैंने यहाँ पर जो छोटे छोटे दो पार्ट कट करे थे अब यहाँ पर हमें ग्लू गम लगा लेना है और उसके बाद इसी के ऊपर हमें इसे पेस्ट कर देना है। पहले चलिए इस पर ग्लू गम लगा लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो मैंने स्टिक खड़ी करी थी इसी पर आपको इसे पेस्ट कर देना है। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। इसी तरह आपको सेकंड पार्ट भी उस वाले स्टिक पर पेस्ट कर दें। चलिए पहले इसे आप पेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर ये सूख गया है और इसके अंदर मैंने यहाँ पर स्टिक डाल दिया है। अब चलिए हमने जो यहाँ पर झूला बनाया था उसको अब यहाँ पर ले आते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जो झूला बनाया था वो आ गया है। अब उसके बाद ये जो मैंने यहाँ पर दो यहाँ पर यू स्टिक लगाई है उसके बाद आपको इसके अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देना है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने ये बनाया है इस पर चलिए ग्लू गम लगा करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पहले चलिए इस पर ग्लू गम लगा लेते हैं। दोनों तरफ आपको ग्लू गम लगा लेना है और उस साइड भी आपको ग्लू गम ही लगाना है। चलिए इस पर इसे पेस्ट कर देते हैं। आपको इसे आराम से यहाँ पर पेस्ट करना क्योंकि ये टूट भी सकता है।
आपको इसी तरह सेकंड पार्ट भी ऐसे करके यहाँ पर पेस्ट कर दें। चलिए चलिए पहले इसे पेस्ट कर लेते हैं। पहले हमने जो रेडी कर लिया है अपना चूल्हा, और मैंने इसे अच्छे से देखे रोक कर लिया है, और मैंने यहाँ पर जितनी छोटी सी मिर्ची रख दी है। अब मैं चलिए आपको मैं एक ओवर व्यू दिखाता हूँ। हमारे वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हमारा ये वीडियो कैसा लगा।